खान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम लोगों की होस्ट नुदरत मुगल इस खूबसूरत से प्रोग्राम वीजे में वेलकम करती है। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग जहां भी होंगे खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है मेरी कि आप तमाम लोग जहां भी हों खुश रहें, हमेशा शाद रहें, आबाद रहें और अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने उन रिश्तों के साथ कि जिनके साथ आप अपनी ज़िंदगी को फुली इंजॉय करना चाहते हैं। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि आप तमाम लोगों को खुश रखिए, कभी भी आप लोगों की ज़िंदगी में कोई परेशानी ना आए, कोई दुख ना आए, हमेशा जो है वो आप लोग हैप्पी हैप्पी रहें, खुश खुश रहें। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं भी बड़ी खुश खुश हूँ। सो बात हम करना यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहला शो, पहला दिन मेरा इस वीजे के सेट पे। मतलब कहते हैं ना कि जब इंसान कुछ नए लोगों के साथ अपने, मतलब कुछ नए लोग अपनी जो है वो जर्नी में ऐड करता है या वो नए लोग आपको अपनी जर्नी में ऐड करते हैं, तो इट्स लिटिल मच डिफ़िकल्ट कि वो आपका माइंड मेंटालिटी समझते हैं, आप उनकी मेंटालिटी समझते हैं। मुझे वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्र है। माशाल्लाह से यहाँ की टीम बहुत ही जो है सपोर्टिव है, बहुत ही, हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं, हमारी जो टीम है सारी, वो सब बहुत सपोर्टिव हैं। बस एक छोटा सा ये है कि आप लोगों के साथ जो मेरा रिश्ता है, आप लोगों के साथ जो मेरी बातचीत है, वो हमारी आज से इंशाल्लाह कंटिन्यू है और फर्दर कंटिन्यू रहेगी। और मुझे उम्मीद है कि जितने लोग मुझे ऑन स्क्रीन देख रहे होंगे इस वक्त, वो जब मुझे सपोर्ट करेंगे ना, तो उनकी सपोर्ट से मेरा जो वीजे है, ये वीजे विद नुदरत है, ये इंशाल्लाह जो है वो कामयाबी की और बुलंदियों को जो है वो ज़रूर छुएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आप तमाम लोगों का सपोर्ट बड़ा ज़रूरी होता है किसी भी आर्टिस्ट के लिए। सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे आर्टिस्ट, इवन अगर कोई आर्टिस्ट स्टेज पर परफॉर्म कर रहा है, इवन कोई आर्टिस्ट अगर आपके सामने एज अ होस्ट अपना जो है वो प्रेजेंटेशन दे रहा है, या वो आपके सामने टी वी पर एक्टिंग कर रहा है, स्पेशली एक्टिंग भी जो है वो, क्योंकि वो उसका काम है, तो जब तक आप लोगों की, आप व्यूवर्स की एप्रिसिएशन नहीं होगी ना, तब तक हम लोगों को पता ही नहीं चलेगा। जब तक आप लोगों का फीडबैक हम तक नहीं पहुंचेगा, तब तक हम लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि हम लोग जो है वो कैसा काम कर रहे हैं, आप लोगों को पसंद आ रहा है। तो आप लोग मुझे बिल्कुल बताएंगे और स्क्रीन पर दिए गए आपके पास नंबर्स जो है उस पर आप लोग मुझे कॉल करके बता सकते हैं। बड़ा आसान सा तरीका है कि आप लोग जल्दी से अपना फ़ोन उठाएं, स्क्रीन पर आपके नंबर चल रहा होगा, उस नंबर पर आप मुझे कॉल करें, अपना फीडबैक दें, बिकॉज आज मेरा भी फर्स्ट शो है। तो जल्दी जल्दी से मुझे भी ये बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस है आप लोगों का। बहुत सारे लोग ऑन स्क्रीन ऐसे हैं जो मुझे जानते होंगे, बहुत सारे ऐसे हैं शायद ना भी जानते हों, मैं ऐसा नहीं, कोई इतनी मशहूर पर्सनालिटी तो हूँ नहीं मैं, लेकिन जो लोग जानते होंगे उनकी तरफ से तो ऑब्वियसली डबल प्यार होगा, डबल रिस्पांस, डबल रेफरेंस होगा। लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके साथ भी एक बड़ा मजबूत रिश्ता जो है वो कायम करना है, इंशाल्लाह फर्दर आगे वीजे को लेकर चलना है और बहुत सारे जो है वो इनोवेशन करने हैं, बहुत सारे जो है वो और चीज़ें ऐड करनी है वीजे में। तो ये आप लोगों की सपोर्ट के बगैर इम्पॉसिबल है कि आप, जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, जब तक आप लोगों का प्यार, जब तक आप लोगों का फीडबैक, जब तक आप लोगों का की एप्रिसिएशन नहीं होगी ना मेरे पास, अब तक जो है वो, मतलब मुझे समझ ही नहीं आएगा कि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो मतलब मुझसे क्या चाह रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं कि मैं उनके लिए क्या और इनोवेशंस करूं और किस तरह के जो है। और स्पेशली हमारा वीजे जो है, इसकी जो थीम है वो यही है कि आप हमें डेडिकेशन के लिए कॉल कर सकते हैं, आप हम अपनी पसंद के गाने सुन सकते हैं और इसके अलावा आप हमें गाने सुना भी सकते हैं। तो इनफैक्ट इस वक्त जो है हमारे पास एक कॉल मौजूद है, प्रोग्राम के स्टार्ट में ही था, हम वो कॉल लेते हैं, देखते हैं किसकी कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, नुदत आफाक बात कर रहा हूँ, भीरपुर माथेरो से। जी कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक है। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, काइंडली अपने टीवी का वॉल्यूम जो है वो बंद कर दीजिए ताकि आपकी आवाज हम तक क्लियर आ सके। जी जी, ये बंद कर दिया आवाज। जी जी, थैंक यू वेरी मच। जी बोलिए। जी वेलकम टू द आवाज न्यूज, क्योंकि आप एक, मतलब कि माशाल्लाह नया प्रोग्राम स्टार्ट कर रही है, तो वेलकम। थैंक यू वेरी मच। वैसे भी सपोर्टिव रहा है, इंशाल्लाह आपके लिए भी सपोर्टिव रहेगा और बहुत अच्छे प्रोग्राम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप। बिल्कुल, माशाल्लाह से वाकई आवाज़ भी बहुत सपोर्टिव है और इंशाल्लाह मेरे लिए भी बहुत सपोर्टिव ही है और अभी तक भी बहुत सपोर्टिव है और आगे भी फर्दर सपोर्टिव रहेगा। और इसके अलावा क्या कहना चाहेंगे आप? और आपका मतलब आज टॉपिक क्या है? देखिए, अभी वैसे तो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया नहीं था, बट मेरा एक छोटा सा टॉपिक ये है आज का, जिसके बारे में अभी मैं आगे बात करूंगी, बट आपने टॉपिक से पहले ही मुझे कॉल कर ली, तो मैं आपको सबसे पहले रिवील कर देती हूँ अपना टॉपिक। एक्चुअली मैंगो सीजन आजकल इन है, मैंगो सीजन चल रहा है, तो उस हवाले से मैंने एक छोटा सा सवाल रखा था, जैसे मतलब कह लें कि बड़ा ही कोई ईजी सा क्वेश्चन है, लेकिन यह है कि मैं चाह रही हूँ कि आप लोग सब मुझे उसका जवाब दें कि आम की, यानी कि मैंगो की, वो कौन सी टाइप है, वो कौन सी किस्म है जिसमें एक नाम आता है? सिंदड़ी। सिंदड़ी, चले ठीक है, आपका जवाब हमने लॉक कर लिया। हम जो है वो आपका जवाब, सारे कॉलर्स का जवाब साथ साथ लेते रहेंगे और फिर लास्ट में जो है हम आपको बताएंगे कि सही जवाब क्या है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कॉलिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।
हाँ जी, तो ये थे हमारे पहले कॉलर। जैसा कि मैंने कहा कि टॉपिक मुझे बाद में रिवील करना था, बट जब उन्होंने पूछ ही लिया तो मैंने कहा कि चलने से रिवील करने, जो ये मैंगो सीजन चल रहा है, सो बड़े मज़े मज़े के आम जो हैं मार्केट्स में अवेलेबल हैं आप लोग जाके। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक सिंगल पर्सन भी ऐसा होगा कि जिसको जो है वो मैंगो पसंद नहीं होगा। सबको जो है वो बहुत फेवरेट होते हैं मैंगो, और मुझे भी ऑब्वियसली बहुत पसंद है। तो मैं आज ऐसे ही बैठे बैठे सोच रही थी कि क्या सोचा जाए, आज क्या बात करी जाए अपने ऑडियंस से। तो मैंने सोचा कि यार मैंगो सीजन चल रहा है तो कुछ मैंगो के हवाले से बात हो जाए। तो मेरे जहन में ये सवाल, मैंने बोला चलें ये छोटा सा एक सवाल है तो मैं यही अपने ऑडियंस से क्यों ना कर लूं। तो मेरा जी आज का सवाल ये है कि आम की वो कौन सी किस्म है, आम की वो कौन सी टाइप है जिसमें एक नाम आता है, तो वो आप लोगों ने मुझे बताना है। बहुत सारी टाइप्स हैं, माशाल्लाह से सबको ही जो है वो पता है। स्पेशली मैं कहती हूँ कि लेडीज जो साइड होगा ना, जो लेडीज पार्ट होगा उनको, तो वो मैं जाती हूँ मार्केट्स में देखती हूँ, इवन मेरे खुद की मामा भी और बाकी सारी लेडीज़ को मैं देखो आम को उठा के सूंघ सूंघ के, तो कुछ लोग होते हैं वैसे भी होते हैं, वो बोलते हैं यार आप सारा सूंघ के उसकी जो है वो मज़ा ख़त्म कर देंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जैसे एक ट्रिक है कि आप मतलब एक ही ट्रिक होती है, आप कोई और चीज़ ले रहे हैं तो उसकी भी एक स्पेसिफिक ट्रिक है देखने की कि वो मीठा है या नहीं है। और वो कहते हैं ना कि जाते जाते जब कोई चीज़ जा रही होती है तो वो बड़ी शिद्दत इख्तियार कर लेती है, जैसे कि गर्मी भी जाते जाते काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर लेती है, और अब जब आम भी अभी मतलब जाएंगे ही जाहिर सी बात है तो वो भी बड़ी शिद्दत में मीठे जो है वो इख्तियार कर लेंगे। और कुछ आम के जो टाइप्स होती हैं वो ऐसी होती हैं कि वो आती हैं हमें पता भी नहीं चलता, ख़त्म भी हो जाती हैं। मतलब लोग इतने फास्ट होते हैं, इतने उनको शौक होता है मैंगो का कि वो बस आते हैं आम और वो फटाफट से ना ख़त्म हो जाते हैं। तो हम अपने अगले कॉलर से पूछेंगे कि उनके मतलब उनसे ये सवाल उनसे ज़रूर करेंगे। तो पहले कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नुसरत जी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं जी? मैं इसकार अमन शिकारपुर से बात कर रहा हूँ। कैसी हैं अंजिता जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है जो है आपके, आपको वेलकम करते हैं इसमें आवाज टीवी में। थैंक यू। पहली मरतबा आपका चल रहा है। थैंक यू। अच्छा जी, आपने मैंगो के बारे में कहा है तो सिंदरी का नाम जो बोल रहे थे आप, जी जी वो जबरदस्त नाम है और उसका सिंदरी देव सिंह बोलते हैं हम उसको। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, हमने आपका जवाब जो है वो नोट कर लिया। जी जी जी, और आपको एक फरमाइश है, हमें सॉन्ग सुनना है। जी जी बोले बोले जी, शमन मिराल का सॉन्ग सुनना है। जी 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 जी, ठीक है, ओके, बिल्कुल हम जो है ज़रूर ये सॉन्ग जो है वो आपके लिए प्ले करेंगे। बिकॉज वीजे जो है वो आप लोगों का ही प्रोग्राम है कि आप लोग कॉल्स कर सकते हैं, डेडिकेशन किसी को कोई गाना आप खुद सुना के डेडिकेट करना चाहें, या किसी को जो है वो हमारा जो है वो हमारे डिपार्टमेंट में से आप हमें हमें बताएं कि कौन सा गाना सुनना है, तो हम वो गाना प्ले करके ज़रूर डेडिकेट करेंगे उन लोगों को। तो इसी तरह से हमें कॉल्स करते रहिए और बताते रहिए कि जी आम आम मैंगो पीपल आम लोग, मतलब ऐसी बात मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा हमारा मूड लाइटली भी रहे ना। तो अब मैंगो पीपल हम कह सकते हैं कि इंग्लिश में आम लोग। अच्छा वो कहते हैं ना, वो एक और है बड़ा मज़े का, वो आम लोग, तो वो ना हमारी कुछ रिलेटिव्स हैं तो वो कहते हैं कि हम रिलेटिव्स की बात बाद में करेंगे, पहले हम अपने ये वाले रिलेटिव से निपटेंगे जिनकी कॉल अभी हमारे पास आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सिस्टर। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं हमारे साथ? बहन जी मैं यासीन मार बात कर रहा हूँ दुबई से। अरे कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बहन जी, आपको आवाज टीवी में हम लोग वेलकम करते हैं सर। थैंक यू सो वेरी मच। कुछ कहना चाहेंगे आज के टॉपिक के बारे में? जी आम का तो बहुत अच्छा सीजन चल रहा है, पर सॉरी हम लोग पाकिस्तान में नहीं है तो अपने पाकिस्तान के जो आम है उसको बहुत मिस कर रहे हैं। और जहाँ तक आम के नाम है सिंदड़ी और लंगड़ा चौंका, ये आम मुझे बहुत पसंद है। अच्छा अच्छा, मैंने खैर आज आम के नाम नहीं पूछे, मैंने ये पूछा है कि आम की वो कौन सी किस्म है, यानी कि आम का वो कौन सी टाइप है जिसमें कोई नाम आता है। जी मुझे वो नहीं मालूम। वो नहीं मालूम, चलें कोई बात नहीं, आपने आम के नाम बता दिए। शेर शेर सुनाऊंगा बहन जी। बिल्कुल सुनाए, बिल्कुल सुनाए। तुम्हें बारिश पसंद है मुझे बारिश में तुम, तुम्हें हंसना पसंद है मुझे हंसते हुए तुम, तुम्हें बात करना पसंद है मुझे बोलते हुए तुम, तुम्हें सब कुछ पसंद है और मुझे सिर्फ तुम। क्या बात है भाई, वाह जी वाह। ये देखें ये क्लैप मेरे लिए, मेरी तरफ से आपके लिए इतना खूबसूरत सा शेर सुनाने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कॉलिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, तो ये देखिए ऐसे भी कॉलर्स होते हैं ना कि मैंने उनसे जो है वो सवाल किया कि भाई वो जो आम की वो कौन सी किस्म है कि जिसमें एक स्पेसिफिक नाम आता है, तो कह रहे हैं वो तो नहीं मालूम। बाकी और एक बात जो उन्होंने करी वो बड़े जो है वो मतलब बोलने वाली बात है कि वो कह रहे हैं मैं दुबई में हूँ और मैं बड़ा जो है वो मिस कर रहा हूँ अपने पाकिस्तान के आमों को, इन चीज़ों को। तो कहते हैं ना
کہ جب کوئی بہت دور ہوتا ہے نا اپنے ملک سے, تو ملک میں رہتے ہوئے تو ہم مطلب یہ بھی کہتے ہیں کہ یار باہر جائیں گے, یا مطلب کوئی بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ بھائی باہر چلے جائیں, باہر کے ملک چلے جائیں جو ہے, لیکن فورن کنٹریز میں جب آپ جاتے ہیں نا تو لٹرلی آپ اپنی جو کنٹری کو مس کرتے ہیں نا, عید میں, بکرا عید میں, اور اس کے علاوہ اسپیشلی رمضان میں, اس کے علاوہ جب مینگو سیزن آتا ہے, اس ٹائپ کی بہت ساری سیزنل ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں آپ اپنی کنٹری کو ضرور مس کرتے ہیں. سو ایک اور کال ہمارے ساتھ ہے, ایک اور کال لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں ہمارے ساتھ؟ میں شکارپور سے بات کر رہی ہوں. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر ہے. آپ کیسی ہوں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی میں شیئر کرنا چاہتی ہوں. جی جی بالکل سنائیے. گلتا گلاب جڑا خوشبو کہیں کہیں, یارت یارن جڑا پر وفا کہیں کہیں. اچھا آپ کی ٹی وی کا والیوم جو ہے نا وہ کافی زیادہ ہوا ہوا ہے, تو اس کی وجہ سے ہمیں آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی, تھوڑا سا اس کو والیوم کو کم کر دیجیے. جی ہمیں گانا سننا ہے. جی جی بولیے. منت پاس کا گانا سننا ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ کی بالکل آپ کی ریکویسٹ جو ہے وہ ضرور 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 ہم پلے کریں گے. اور اس کے علاوہ ابھی آپ ہمیں کالس کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اور کون سا گانا سننا چاہتے ہیں, ہمارے ٹاپک کے بارے میں بول سکتے ہیں. اور اتنی دیر سے باتیں چل رہی ہیں, ٹاپک چل رہا ہے, کالس چل رہی ہیں, تو چلتے ہیں خوبصورت سے سانگ کی طرف. سانگ کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. مطلبی آ دلبر مجھو کندو مطلب سا پیار نہ سچو کو یار تار کو بلو چوے مجھو یار مطلبیا دلدار مطلبیا ہو پیار تاہ کندو پر مجھو یار مطلبیا دلدار مطلبیا ہو پیار تاہ کندو پر پیار مطلبیا ہو اندے
ਬਾਹਰਾ ਮਤਲਬੀਆ ਹੂ ਬਾਹਰਾ ਮਤਲਬੀਆ ਹੂ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਆਹੇ ਕੰਦੋ ਪਰ ਪਿਆਰ ਮਤਲਬੀਆ ਮੁਝ ਯਾਰ ਮਤਲਬੀਆ ਦਿਲਦਾਰ ਮਤਲਬੀਆ ਹੂ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਆਹੇ ਕੰਦੋ ਪਰ ਪਿਆਰ ਮਤਲਬੀਆ वेलकम बैक व्यूअर्स, वीजे में एक बार फिर से आप तमाम लोगों को वेलकम करती हूं और मुझे उम्मीद है कि जो सॉन्ग अभी आप लोगों ने सुना वो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और जिन लोगों ने अभी 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 इसी वक्त हमें ज्वाइन किया है उन तमाम लोगों को जो है वो मेरी तरफ से बहुत सारा सलाम और उन तमाम लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अभी इस पहले ब्रेक में कॉल्स करी। माशाल्लाह इतनी सारी अप्रिशिएशन, इतना सारा प्यार, बहुत खुशी हुई कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इतना सारा सपोर्ट करें। जैसा मैं कह चुकी हूँ कि आप लोगों के सपोर्ट के बगैर हम लोग कुछ भी नहीं हैं, हम आर्टिस्ट कुछ भी नहीं हैं जब तक हमारी ऑडियंस, जब तक हमारे व्यूवर्स हमें सपोर्ट नहीं करते। इतनी सारी बातें मैं जो है वो बाद में भी कंटिन्यू कर सकती हूँ, लेकिन अभी बहुत 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 देर से हमारे जो एक कॉलर है ना वो वेटिंग पे, तो चल के उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मेरी बहन नुदरत? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं हमारे साथ? जी गुलरेजा रिकार्डो बात कर रहा हूँ, लाड़काना से। कैसे हैं भाई आप? अल्लाह का शुक्र है मेरी बहन ठीक ठाक। आपको वेलकम करते हैं आवाज मुगल के प्रोग्राम में। थैंक यू। और आपका शो माशाल्लाह बहुत अच्छा जाएगा इंशाल्लाह ताला। हम सब आपके साथ हैं, आपके डायरेक्टर अमीन इकबाल मनोज साहब की बहुत फैन से हैं। बिल्कुल बिल्कुल बेशक। इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगे? क्या था अच्छा? जी जी बोले। जी तो किया था मैंने आज का सवाल ये रखा था कि आम की वो कौन सी किस्म है या आम की वो कौन सी टाइप जिसे आप कह लें जिसमें एक नाम आता है? जी अब नहीं है मेरी बहन, आपका क्या लगा है? जी मैंने कहा ये याद नहीं है लेकिन सॉन्ग याद किया है शो के लिए। बिल्कुल सॉन्ग सुनाते हैं आप, अगर आपको ये याद नहीं है तो। जी सॉन्ग याद किया था ना। बिल्कुल बिल्कुल सुनाएं। हम तेरे बिना अब नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी मेरा, दर्द भी मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। क्या बात है। अच्छा इतना खूबसूरत सा गाना तो आपने सुना दिया, पर ये स्पेशली किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे आप? जी मेरी बहन क्या कहा? मैं कह रही हूँ इतना खूबसूरत गाना तो आपने हमें सुना दिया, पर ये गाना किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये स्पेशली सॉन्ग डेडिकेट करूंगा अफरोज बख्शी को। अच्छा। और कुछ मेरे दोस्त लोग हम देख रहे हैं दुबई से, यासीन महर, फहीम जमाली, आरजे नोमी मलिक, इरफान मेमन, आपको और आपकी पूरी टीम को। क्या बात है, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कॉलिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। बड़ा खूबसूरत सा गाना जो है वो अफरोज के लिए इन्होंने जो है वो गाया और भी बहुत सारे नाम लिए, बट आई फॉरगॉट। सो थैंक यू सो वेरी मच। इसी तरह से कॉल्स करते रहिए जल्दी जल्दी ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोग जो है वो अच्छा सोचें भी तो सही ना कुछ मेरे टॉपिक के बारे में। भाई हैं अपना सॉन्ग बहुत माशाल्लाह से मज़ा आ रहा है मुझे। सीरियसली पहले दिन मैं बड़ी जो है वो मतलब मैं वैसे तो फुल ऑफ एनर्जी आई थी, बट मेरी एनर्जी जो है वो और डबल हो गई है आप लोगों की कॉल्स की वजह से, आप लोगों के इतने सारे प्यार सपोर्ट की वजह से। और सॉन्ग सुनाया ठीक है, शेर सुनाए ठीक है, बट मेरे टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत तो सोचें। आम की वो कौन सी किस्म है, आम की वो कौन सी टाइप है कि जिसमें जो है वो एक नाम आता है, स्पेसिफिक नाम। आप प्रोग्राम के एंड में हम आपको ज़रूर बताएंगे इसका जवाब, क्योंकि दो तीन लोगों ने जवाब दिया भी है हमें, तो उनके जवाब हमारे पास लॉक हैं। और एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं हमारे साथ? कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ।
آپ کی آواز بہت زیادہ جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے, تو کائنڈلی ہیلو. اوکے, تو کال ہماری ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے, سوری. اور کوشش کریں کہ آپ لوگ کسی ایسے ایریا میں جا کے کال کریں جہاں جو ہے وہ آپ لوگوں کا سگنلز کا کوئی پرابلم نہ ہو, تاکہ آپ لوگوں کی ہم سے کیونکہ اتنے مشکل سے تک تو کالز لگتی ہیں, تو تاکہ آپ لوگوں کی بات جو ہے وہ کمپلیٹ ہو سکے, مکمل ہو سکے, تاکہ ہم جان سکیں کہ آپ لوگوں نے اس مقصد کے لیے کال کری ہے, مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں, پروگرام کے بارے میں, ویجے کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں, اور ہمارے ٹاپک کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں, یا پھر کسی کے لیے کوئی گانا سنانا چاہتے ہیں, کوئی ڈیڈیکیشن کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں ضرور بتائیں, ہمارے نمبرس پہ ضرور کال کریں. اور ابھی جب ہم سانگ سن رہے تھے نا اتنا خوبصورت سا, تو حال ہی مجھے پتہ چلا کہ تھوڑی تھوڑی سی جو ہے وہ کراچی میں بارش بھی ہو رہی ہے. بھائی واہ 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 جی, بارش کا جو موسم ہے نا وہ مطلب ایک سب کا جو ہے وہ فیوریٹ موسم ہوتا ہے, اور ابھی تو بڑے مطلب ٹائم کے بعد جو ہے وہ کراچی میں بارش ہوئی. کافی دن سے کچھ کبھی موسم اچھا ہو جاتا تھا, کبھی موسم نارمل ہو جاتا تھا, کبھی تھوڑی گرمی ہو جاتی تھی, اور بالکل بھی پتہ نہیں چل رہا کہ بارش پہنچے گی کب یہاں تک. نکل تو چکی ہے کہیں نہ کہیں سے, کراچی پہنچنے میں بھی ٹائم ہے. اب دیکھتے ہیں کہ بارش کی ٹرین جو ہے وہ کب پہنچتی ہے کراچی کے اسٹیشن پہ, تو امید تو یہی ہے کہ پہنچ جائے گی, لیکن ابھی بھی جو ہے وہ موسم بہت اچھا ہو رہا ہے. اور اسی موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ایک خوبصورت سی کال کی طرف چلتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ میں محسن بات کر رہا ہوں, سدھارتھ پور سے, ضلع سانگڑ سے. جی, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. آپ سناؤ, آپ کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. کچھ کہنا چاہیں گے ہمارے آج کے ٹاپک کے بارے میں؟ جی, میرے دوست میر محمد خاصری سے بات کرو گے, بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے. ہلو جی, السلام علیکم. السلام علیکم. اگر ہماری لائبریری میں گانے ہوئے تو ضرور ہم آپ کے لیے سانگ جو ہے وہ ضرور پلے کریں گے. اور ہمارے ٹاپک کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے, وہ آم کا جو میں نے پوچھا تھا. ہاں بتایا, کیا بات جی؟ میں نے اب بھی آیا ہوں, میں ٹی وی بھی نہیں دیکھا, کمرے میں تھا میں. اچھا جی, میں نے پوچھا تھا کہ آم کی وہ کون سی قسم ہے جس میں ایک نام آتا ہے. میں تو پڑھا لکھا بازی نہیں ہوں, مجھے نہیں یہ پتا, لیکن ہمارے گھر میں جو ہے نا, سمجھا جی, امبر میرا دوست کرے امبر. اچھا چلیں ٹھیک ہے, جو بھی جواب آپ نے دیا ہم نے وہ لاک کر لیا اپنے پاس, ابھی ہم کوئی کامنٹس نہیں کرنے والے کیونکہ ہم سب سے لاسٹ میں جا کے آپ کو اس کا جواب بتائیں گے. اور تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ, اسی طرح سے کالس کرتے رہیں اور بات کرتے رہیں اور سپورٹ کرتے رہیں, تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ. اور وہ سندھی میں کیا کہتے ہیں آپ کو؟ امب, امب کہتے ہیں. ہاں مجھے آتا ہے, دیکھیں ایسی بات نہیں ہے, مجھے مطلب ماں وہ کہتے ہیں نا, اگر میں سندھی میں بولنا چاہوں, ماں ہاڑے کوشش کرے رہی آئیں تو تمہاں سبنی ویورس سان ائیں پنجی ٹیم سان سندھی میں گلائیں. دیکھیں میں ایک دن بول لوں گی, دیکھیں ہم ہوں گے کامیاب ایک دن ضرور. اور ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ویجے جو ہے وہ ندرت اسٹارٹ کرے گی اور آپ لوگ بولیں گے ہے سندھی یہ کیسے, ہاؤ از اٹ پاسبل, لیکن نتھنگ از امپاسبل. سو لیتے ہیں خوبصورت سی کال اسی بات پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام پیاری بہنا, کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک. کون ہے کہاں سے؟ اللہ کا شکر ہے, محمد صالح کچی بات کر رہا ہوں, شیر دڑو سے. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے باجی, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہاں, پروگرام کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ کا پروگرام بہت ہی نائس ہے, بہت ہی اچھا ہے, اور آپ کا جو انداز ہے ہوسٹنگ کا ماشاء اللہ وہ بھی بہت پیارا ہے, اور آپ جو کمپیئرنگ کرتی ہیں نا ماشاء اللہ زبردست کرتی ہیں. تھینک یو سو ویری مچ. اور آج کے ٹاپک کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے تو میرے ذہن میں ایک نام آ رہا ہے, لنگرا. اچھا ٹھیک ہے, ہم نے لاک کر لیا آپ کا نام جو ہے وہ جواب. اور لنگرا آم ہے, حالانکہ وہ لنگرا تو صرف دیکھنے میں ہوتا ہے, کوئی ٹانگیں تو ہوتی نہیں کہ ایک ٹانگ ہو ایک نہ ہو, لیکن آپ اینڈ تک پروگرام دیکھتے رہیے گا کیونکہ ہم اینڈ میں ضرور ریویل کریں گے اس کا جواب. تو جب آپ لوگوں کو جواب پتا چلے گا تو پھر ہو سکتا ہے آپ کا جواب صحیح ہو, تو کچھ کہہ نہیں سکتے. بہت شکریہ, تھینک یو, یاد رکھیے گا, اللہ خوش رکھے. تھینک یو, تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. اسی طرح سے دیکھیں ابھی کالر نے مجھے کہا کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا, تو اسی طرح سے مجھے بھی اس بات کی پوری پوری امید ہے کہ آج سے پہلے بھی, کہ ماشاء اللہ سے جو ہے وہ آپ تمام لوگ جو ہے اتنے پیارے ہیں, اتنی اچھی مطلب میری جو مطلب کہتے ہیں نا وہ اسکرین پہ مجھے جو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ ضرور 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 ہم سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھتے ہوں گے. دعائیں جو ہیں وہ بڑی قیمتی چیز ہوتی ہیں, اور وہ کہتے ہیں نا ایک بات میں نے بڑی اچھی سی پڑھی تھی, تو اس وجہ سے بھی میں بڑی کانفیڈنٹ تھی آج کے, نہیں یار میرے مطلب اتنے سارے لوگ ہیں سپورٹ کریں گے, اور ویسے بھی ڈسہارٹ ہونے والی یا جو ہے وہ بالکل اپنا جو ہے وہ اپنے آپ کو لوز کرنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے, کہ وہ ایک خوبصورت سا شعر مجھے یاد آیا اسی موقع پہ, تو عرض کیا ہے میں نے, آپ لوگ سنیے گا ضرور. وہاں سے ارشاد آپ لوگوں نے بولا ہوگا بٹ مجھے آواز نہیں آ رہی, سو کوئی بات نہیں, میں آپ کو سناتی ہوں شعر. کہ ارادے جن کے پختہ ہوں اور نظر جن کی خدا پر ہو,
ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. واوا واوا کیا نا، ضرور بولا ہوگا واوا، مجھے آواز نہیں آئی. اپنی واوا اور اپنی جو کلیپ اگر آپ لوگوں نے کری ہے، آبویسلی ضرور ضرور کری ہوگی، اس کلیپ کو ضرور مجھے بتائیں، مجھے کالز کر کے ہمارے آج کے ٹاپک کے بارے میں. اچھا جی، ہمارے پاس دو آنسرز لاک ہوئے ہیں، سندڑی اور لنگڑا. چلیں تھوڑا دیکھتے ہیں اور، ابھی تو بھائی دیکھیں نا، وہ ابھی تو اسٹارٹ ہے، ابھی تو دیکھتے ہیں کہ اور جو کالرز ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں. اسی کے ساتھ ایک اور کال ہے ہمارے پاس، وہ لیتے ہیں. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اجل یار، اتنا لے یار کہاں. جی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم. اپنا میں بالکل ٹھیک ٹھاک. کچھ کہنا چاہیں گے ہمارے شو کے بارے میں، ویجے کے بارے میں؟ آپ آم کے بارے میں پوچھ رہے تھے، آم کے جو بھائی نے بتایا لنگڑا ہے ایک. میں ابھی تو جواب نہیں دوں گی، میں پروگرام کے اینڈ میں جواب دوں گی. آپ لوگ یہ بتائیں کہ کون سی آم کی ایسی قسم ہے جس میں ایک نام آتا ہے؟ لنگڑا ہے اور وانگن پھلی. کون سا؟ وانگن پھلی. چلیں آپ کا جواب ہم نے لاک کر لیا ہے. تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ. تین جواب ہمارے پاس لاک ہو چکے ہیں. اب یہ نہیں پتا کہ ان میں سے کوئی صحیح ہے یا غلط ہے، کہ میں ابھی سے تو نہیں آپ لوگوں کو بتا سکتی، اس کے لیے پروگرام آپ لوگوں کو لاسٹ تک دیکھنا پڑے گا تاکہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ صحیح جواب ہے کیا. ویسے یہ کوئی سوال نہیں تھا، یہ میں ایسے گھر میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہی تھی تو میرے دماغ میں آ گیا. میں نے بولا ہاں، یہ بڑا ایک مطلب ایک کہتے ہیں نا، وہ کبھی کبھی جب آپ کچھ سوچ رہے ہوتے تو ایسی کوئی چیز بھی دماغ میں آ جاتی ہے کہ ہاں بھائی اپنے جو ہے وہ ویورس کے ساتھ ضرور شیئر کریں. اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی فیملی کے اندر جتنی باتیں کروں وہ ساری باتیں جو ہے، یا جو کچھ سوال یا کوئی ایسے مزاحیہ چیزیں یا کوئی سبق آموز چیز، وہ اپنی آڈینس سے ضرور شیئر کروں، کہ بیکاز آپ لوگ بھی تو ہماری فیملی ہے نا، آپ لوگ بالکل ہماری فیملی ہیں. اور اسی کے ساتھ ہم ایک اور کال لیتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اشوک علی وابڈا کالونی سے، گڈو سے بات کر رہا ہوں. جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. اپنے حال سنائیں. میں پہلی بار آپ کا شو دیکھ رہا ہوں. جی تھینک یو. شو کے ذریعے اپنے دوست کو کچھ ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں. بالکل بالکل بالکل. موکے تجھی یاد جیئن نتھی دے سجن ساری رات، موکے سمن نتھی دے او موکے تو. اتنا اچھا سانگ سنا رہے تھے وہ اپنے دوست کو ڈیڈیکیٹ، اور ابھی تک نام بھی نہیں لیا تھا. پتہ نہیں نام لینا بھی تھا نہیں لینا تھا، لیکن ہو سکتا ہے لینا ہو، تو وہ کال جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی. پلیز پلیز میری تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اتنے مشکل سے کال کرتے ہیں تو ضرور ضرور ایسے کسی ایریا میں آ کے کال کیا کریں جہاں آپ کو سگنلز پراپر ملیں، تاکہ آپ کی بات جو ہے وہ ہم سے کمپلیٹ ہو سکے. اور اتنا میں بول رہی ہوں نا، آپ لوگوں کے دماغ میں جو ہے نا وہ بالکل بھی نہیں آ رہا ہوگا کہ یار اب آم کو سوچیں بیٹھ کے، سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ مطلب کیا کریں کیسے، کیونکہ میری باتیں سنیں گے یا سوچیں گے. تو تھوڑا سا ہم آپ کو اسپیس دیتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں آپ کو سوچنے کا، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس ٹائم ہوا ہے ایک شارٹ کمرشل بریک کا. سو چلتے ہیں ایک شارٹ بریک کی طرف، وی ول بی رائٹ بیک. بیک ویورز، چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد ہم لوگ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں خوبصورت سے پروگرام وی جے کے ساتھ. مجھے امید ہے کہ تمام لوگ جو ہے جنہوں نے جو ابھی تک ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے انہوں نے جو ہے وہ دوبارہ سے، اور جن لوگوں نے دوبارہ سے جوائن کیا ان تمام لوگوں کو دوبارہ سے ویلکم، اور جو لوگ پہلے سے دیکھ رہے ہوں گے انہوں نے کچھ تھوڑا بہت سوچا ہوگا آج کے ٹاپک کے بارے میں. کہ چھوٹا سا تھوڑا سا اسپیس میں نے آپ لوگوں کو اس لیے دیا تھا، بریک کا اسپیس، مطلب بریک جو ہے وہ ضروری ہے نا، تھوڑا سا بریک آ جائے اور آپ لوگ جو ہے سوچ لیں. تو آئی تھنک سو کہ آپ لوگوں نے اب سوچ لیا ہوگا کہ آج کا جو ہمارا سوال ہے، ہم لوگ جو ہے وہ مینگو پہ بات چیت کریں. بٹ مینگو کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اتنی خوبصورت سی بارش کہیں کہیں ہو رہی ہے، بتا دیتے کراچی میں تو ایسی بارش ہوتی ہے کہ ابھی مجھے میرے کوئی جاننے والے وہ بتا رہے تھے کہ میں آئی واز ٹریولنگ، کہ میں آ رہا تھا کہیں سے، وہ آئی تھنک شیر شاہ ماڑی پور کی سائڈ سے، اتنی تیز بارش تھی بٹ کہنا جیسے میں نے گارڈن کراس کیا کچھ بھی نہیں تھا. تو مطلب ایسا ہو رہا ہے کراچی میں کہ کہیں کہیں جو ہے وہ تھوڑی بہت بارش ہو رہی ہے اور کہیں جو ہے وہ بالکل پتہ ہی نہیں ہے، بارش کے آثار ہی نہیں ہیں. بارش اس طرف کب جائے گی، گاڈ نوز ویل. بٹ دیکھتے ہیں کہ مینگو والے لوگ جو ہیں، جن سے میں نے مینگو کے اور مینگو اور بارش کا آپس میں بڑا اچھا کنیکشن بھی ہے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ بریک میں جو ہے وہ ضرور کسی نے سوچا ہوگا، اس لیے ہمارے پاس کال آ چکی ہے. اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی کال. ہیلو، السلام علیکم.
वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अल्ताफ बलोच बात कर रहा हूँ, गुड्डू वापसा कॉलोनी से। जी जी बोलिए। आपका शो मैं फर्स्ट बार ही देख रहा हूँ, बहुत माशाल्लाह अच्छा चल रहा है। जी जी थैंक यू। और आपका सवाल भी मैंने सुना है आम के बारे में, मगर ये शो तो हम इसलिए देते हैं कि वो किसी को मतलब किसी को कुछ कहने के लिए या डेडिकेट कोई करता है तो बिल्कुल 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 आप डेडिकेट कर सकते हैं। बिल्कुल आप किसी को कोई सॉन्ग डेडिकेट करना चाहें या कोई कुछ कहना चाहें, किसी का नाम लेना चाहें। अपने दोस्त को अगर वो देख रहा है तो मैं शायरी कहना चाहता हूँ, तो आप कहें तो मैं शायर। बिल्कुल बिल्कुल हिंदी में है। तू नाजो कहीं गुलन वांगुर असी कंडा लताड़े पलिया आई हूँ, तू नाजो कहीं गुलन वांगुर असी कंडा लताड़े पलिया आई हूँ, ए दोस्त तू दर्द ॾिसी पियो दाहूं करीं, असीं मौत ॾिसी ते खिलिया आहियूं, असीं मौत ॾिसी ते खिलिया आहियूं। क्या बात है, किसको डेडिकेट करना चाहेंगे आप? ये एक और है। जी जी तो वो भी सुनने में है। तो बेसही पर पी न सो गया थी, तू बेसही पर पी न सो गया थी, पीण का पो कह जा पी न सो गया थी, ना गहर वणे ना गमगम, ए दोस्त जो मने वो तेंजा थी न सो गया थी। वाह जी वाह। और है हेलो हेलो जी जी अगर वो मेरा दोस्त किसको डेडिकेट करना चाहेंगे आप ये? ओके जी थैंक यू सो वेरी मच फॉर कॉलिंग, इतनी खूबसूरत सी शायरी आपने सुनाई, बट ये नहीं बताया कि किसको डेडिकेट करना चाहेंगे। सो फिर भी जिन्होंने सुनी होगी और जिनको पता होगा कि आप प्रोग्राम में कॉल करने वाले हैं, उन्होंने ज़रूर जो है वो डेडिकेशन सुननी होगी। बिल्कुल आप लोग जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर किसी को कोई गाना डेडिकेट करना चाहते हैं खुद गा के, या अगर आप हमें बताएं कि मुझे ये गाना अपने दोस्त को डेडिकेट करना है, तो अगर हमारी लाइब्रेरी में हुआ तो हम लोग ज़रूर जो है वो उसको प्ले करके डेडिकेट ज़रूर करेंगे। और इसी के साथ एक और खूबसूरत सी कॉल अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सबसे पहले तो टीवी का वॉल्यूम अपना जो है वो कम कर लीजिए ताकि आपकी आवाज़ हम तक क्लियर पहुँचे। टीवी का वॉल्यूम कम नहीं था, सो दैट्स वाई कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई। जब भी आप कॉल करें तो काइंडली कोशिश करें कि आपका जो टीवी का वॉल्यूम है उसको बंद कर दें या तो या थोड़ा कम कर दें, ताकि आवाज़ में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर आपकी टीवी की आवाज़ हमारे तक यहाँ तक आ रही होगी तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी और हम जो है वो यहाँ से कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो ये ज़रूर कोशिश करें कि इतनी मुश्किल से आप लोग कॉल करते हैं तो हमसे बात भी नहीं हो पाती आप लोगों की। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें जिनका आप लोगों को ख्याल रखना है ताकि आप लोग जो है वो इजीली कॉल कर सकें हमें। और एक और कॉल है हमारे प्रोग्राम में, वो शामिल करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? वालदा कॉलोनी जी दूसरे मामू हनीफ शहबाजी, वेलकम आपको। जी जी बोलिए। मामू हनीफ साहब बात कर रहा हूँ आप। जी जी हेलो। जी जी हेलो। जी जी बोलिए बोलिए। गुड्डू से बात कर रहा हूँ। जी जी बोले बोले, मैं सुन रही हूँ आपको। ओह ये कॉल पर डिस्कनेक्ट हो गई है। सो काइंडली कोशिश करें जब कॉल्स करें बार बार, मैं आप लोगों को इसलिए मेंशन कर रही हूँ ताकि आप लोगों की कॉल जो है, कहते ना मेहनत रायगा नहीं जाती, तो इतनी मेहनत से आप लोग कॉल करते हैं तो आप लोगों की कॉल जो है वो रायगा बिल्कुल भी ना जाए और मुझसे बात हो सके, वीजे के बारे में बात कर सकें आप लोग। किसी को सॉन्ग डेडिकेट करना है या किसी के लिए कोई शायरी कहनी है, किसी का नाम लेना है, किसी से कोई बात करनी है, तो वो जो है वो ज़रूर कर सकें आप लोग। सो इसी के साथ एक और कॉल है हमारे प्रोग्राम में, वो शामिल करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं चंगेज़ खान को नवाज़ से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप? जी जी आम का जो नाम है ना, जी जी वो सिंदड़ी है। सिंदड़ी ठीक है, हमने आपका जवाब ब्लॉक कर दिया। मैं प्रोग्राम में सॉन्ग कहना चाहूंगा। जी जी बिल्कुल। ओ चदहे काकया थिर सामा हो तरो गुलहे न तो थी दुख भी तंग व्याया सामा हो करो गोलहे न थो। इतना प्यारा सा गाना, दो लाइनें सुना के दो गाने सुना के जो है वो दो लाइन सुना के जो है वो फटाफट से कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई। अच्छा जी, और ये कोई सीक्रेट बातें मेरे पास आ रही हैं कि हमारे जो कैमरा मैन है उनको ये गाना बड़ा पसंद है। ऐसा है तो फिर ना चाहिए फिर ये गाना।
ओके सो भाई जो को मतलब क्या नाम है हमारी टीम है उनसे मैं बोलूंगी गाना जरूर अगर प्ले नहीं किया तो प्ले करें ना ताकि लोग सुन सकें इस गाने को भी बड़ा खूबसूरत गाना है पर्सनली मुझे भी बहुत पसंद है गाना और जो है वो इसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं जल्दी जल्दी से बताइए बारिश हो रही है मैं बात कर रही थी बारिश की बारिश और मैंगो का आपस में बड़ा खूबसूरत कनेक्शन है कि बाहर आपके बारिश हो रही हो और वो शीशे पे से बारिश गिर रही हो और आप जो है बैठ के आम खा रहे हो व्हाट अ लवली फिल्मी सीन बट ये फिल्मी सीन नहीं है और रियल में भी हो सकता है अच्छा कुछ लोगों का जो है वो आम खाने का तरीका बड़ा सोफिस्टिकेटेड टाइप का होता है कि वो बड़े जो है वो नफासत से उसको क्यूब्स में कट करके और फिर वो फोक से खाते हैं बट वो कहते हैं ना कि वो जो देसी वाला मज़ा है ना आम खाने का वो उसमें मज़ा आता है जो देसी तरीके से आम खाते हैं सो एक और कॉलर है हमारे साथ कॉल लेते हैं हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं हमारे साथ डॉक्टर शफी बुक्टी डेरा मुराद जमाली से बात कर रहा हूँ कैसे हैं आप अल्लाह का एहसान है आप सुना ठीक है मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी क्या कहना चाहेंगे बस वैसे ही प्रोग्राम देख रहा था तो मैंने कहा चलो नंबर मिला के देख लेते हैं तो कॉल लग गए थैंक यू हमारे पास तो बारिश है ही नहीं तो हम आम भी नहीं कहेंगे आपका प्रोग्राम यही है ओके नहीं एक्चुअली बारिश तो यहाँ भी नहीं है वो बस थोड़ी बात यह है कि बूंदाबांदी जो है वो हो रही है तो हम उसी को एंजॉय कर रहे हैं अच्छा कहाँ पे बूंदाबांदी हो रही है कराची में जी कराची के तो मुख्तलिफ इलाके हैं मतलब जैसे इमरान खान भी वहीं पे है जरदारी साहब भी वहीं पे है शहबाज शरीफ अलमारू शहबाज शरीफ वो भी वहीं पे है और आप लोग भी सारे वहीं पे क्योंकि अल्लाह की रहमत है सारे हराम को रखते हैं ओके सो थैंक यू कॉलिंग करने के लिए बट कोशिश करें मेरा एक बड़ा ये कहते हैं ना मैं कोई कमेंट्स नहीं करूंगी बट ये है कि कोशिश करें जब कॉल करें तो वीजे के बारे में बात करें इतना खूबसूरत सा प्रोग्राम है आप लोगों का और डेडिकेशंस के बारे में बात करें कोशिश करें कि जो मतलब ऐसी बातें हैं वो ना की जाएँ तो बेहतर है क्योंकि बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं और क्या नाम है मैं एक बात और आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि जब ये टॉपिक मैं लेकर आई हूँ ना ये मैंगो वाला टॉपिक जो मैंने आप लोगों से पूछा है तो फर्स्टली मैंने कहा पहले हम ऑडियंस पे क्यों ट्राई करें पहले हम अपने लोगों पे ट्राई करते हैं ना तो मैंने सबसे पहले सवाल अपने डायरेक्टर से किया कि जी बताएं मैंगो की वो कौन सी किस्म है जिसमें जो है वो एक नाम आता है तो उन्होंने यूँ जवाब दे दिया मैंने कहा अच्छा मैंने कहा बहुत ईजी है तो सब बता देंगे तो बाकी सब ने बताया बट सही बताया या गलत ये आपको प्रोग्राम के लास्ट में पता चलेगा और इसी के साथ एक और कॉल है हमारे पास उनसे बात करते हैं हेलो अस्सलाम वालेकुम मौसम है आशकाना ए दिल कहीं से को ऐसे में ढूंढ लाना ऐसे में ढूंढ लाना मौसम है आशकाना ये रात है खामोशी ये ख्वाब से नजारे ये ख्वाब से नजारे जब जमी पर उतरे हुए तारे बेख्वाब मेरी आंखें बेख्वाब मेरी आंखें मदहोश है जमाना मदहोश है जमाना मौसम है आशकाना ए दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना मौसम है आशकाना आरजे नौमी मलिक गुड्डू से जी कैसे हैं आप जी बिल्कुल ठीक हूँ बाजी आप सुना आप ठीक हैं मैं बिल्कुल ठीक ठाक मतलब आपने जो है वो मौसम का मजा बहुत दुबाला किया जी जी बिल्कुल हमारे यहाँ भी थोड़ा थोड़ा मौसम ऐसे थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की हवा है लेकिन कराची की या लाहौर की जो लाहौर का मौसम है उसको मद्देनजर रखते हुए ये गाना गाया बहुत खूबसूरत गाना आपने गाया और इतना मतलब मैं आई वाज शॉक्ड के क्या बात है यार मतलब बहुत अच्छा है और क्या कहना चाहेंगे बीजे के बारे में जी जी प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा स्टार्ट भी बहुत अच्छा हुआ है और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी ये प्रोग्राम हर प्रोग्राम की तरह कामयाब होगा और जवाब मेरे जहन में आ रहा है जो मुझे किसी दोस्त ने बताया है जी जी तो बता दूं जी जी बताएं बताएं अलमास हमारे यहाँ खानदान में तो किसी लड़की का नाम नहीं लेकिन फिल्मों में ड्रामों में हमारे पड़ोस में मोहल्ले में होता है ये नाम अलमास लड़की का नाम भी हो सकता है और आम का किस्म भी है और दोस्त हैं जिनको डेडिकेट करूंगा जी 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 ये वैसे आपने क्या बोला ये किस्म भी आम की हाँ अलमास अच्छा चलें हमने आपका जवाब भी लॉक कर लिया
देखते हैं एंड तक आपको प्रोग्राम देखना पड़ेगा तो आपको पता चलेगा कि आपका जवाब सही है नहीं। किसी को कुछ डेडिकेट करना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल, इरफान मेमन, परवेज तिवड़ो, गुलरेज चांदे और यासीन मार दुबई से देख रहे हैं, और गुड्डू का एक कॉलर आया था उसके नाम, और जितने हमें दोस्त जहाँ जहाँ देख रहे हैं, और मीर शेख है, और सब दोस्तों के नाम, बेहतरीन प्रोग्राम। थैंक यू सो वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज़। अलमास, अलमास आई थिंक अलमास बोला ना इन्होंने, कि अलमास जो है वो आम की किस्म भी है, और उन्होंने कहा कि लड़के का तो नाम नहीं लड़की का नाम है। खैर, हमने आपका जवाब जो है वो लॉक कर लिया अपने पास, और प्रोग्राम के एंड में जो है वो हम रिवील करेंगे कि सही जवाब क्या था। और इसी के साथ ही जो है वो हम एक और बड़े खूबसूरत से सॉन्ग की तरफ चलते हैं। उम्मीद है कि आप तमाम लोगों को ये गाना बहुत पसंद आएगा। एंजॉय द सॉन्ग।
वेलकम बैक व्यूवर्स, एक बार फिर से वीजे में आप तमाम लोगों को मैं वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि गाना आप लोगों ने सुना होगा, आप लोग हमारे सॉन्ग्स भी इंजॉय कर रहे होंगे, हमारा प्रोग्राम वीजे भी जो है वो भी इंजॉय कर रहे होंगे, साथ साथ जो है वो जिन इलाकों में थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही है वो लोग वो भी इंजॉय कर रहे होंगे, और इसके अलावा कुछ लोग सोच भी रहे होंगे कि हाय इतना मुश्किल सवाल रख दिया आज, इसका तो जवाब कैसे दें। मतलब सारे लोगों ने दे दिया, उन्होंने अपनी सोच से दिया, वो सही दिया या गलत दिया ये हम आपको प्रोग्राम के लास्ट में ज़रूर रिवील करेंगे। लेकिन और भी अभी बहुत सारी कॉल्स हमारे पास आने वाली हैं, उनसे भी हम लोग ये सवाल जो है वो ज़रूर पूछेंगे, और इसके अलावा आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, सवाल का जवाब तो दे ही सकते हैं, जस्ट फॉर्मेलिटी के मैंने टॉपिक रखा है तो आप लोग जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने कोई डेडिकेशन है आप लोगों की, आप लोग किसी को कोई गाना डेडिकेट करना चाहते हैं खुद गा के, या हमें बता दें कि हम ये गाना जो है अपने इस दोस्त को डेडिकेट करना चाहते हैं, या कुछ कहना चाहते हैं, किसी का नाम लेना चाहते हैं, तो भी आप हमें ज़रूर कॉल कर सकते हैं। और हमारे पास आई थिंक एक कॉल है, तो वो कॉल लेते हैं, देखते हैं किसकी कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाजी, नुदरत भाजी जी, आपको आवाज टीवी पे हम वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, और उम्मीद करते हैं कि आपके जो प्रोग्राम होंगे, जो शोज होंगे, वो तमाम दोस्तों को पसंद आएंगे, देखने वालों को, सुनने वालों को, इंशाल्लाह। और आप जो है वो बहुत अच्छी मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह ताला जो ना वो आप एक दिन कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल कुछ कहना चाहेंगे? और हाँ, टॉपिक के हवाले से मेरे भी जहन में एक नाम था, अलमास। अलमास? हाँ, अलमास गर्ल का भी नाम है, लड़की का भी नाम है, और आम की भी किस्म है अलमास। अच्छा, ठीक है ओके। अच्छा, आपने सुनी हो, उसी को देख के हो सकता है कि आपने वो भी नाम रखा हो। ठीक है, चलें। और दूसरी बात ये कि आज हमारे जो सिंध धरती के नामवर फनकार थे अल्लन फकीर जी, आज उनकी 18वीं सालगिरह है, अगर उस मौके पर आप कोई उनका सॉन्ग है चिड़ी पौंदा टारी जदे गाड़ा गुल वो सुना दें, या फिर आरजे नौमी मलिक ने आपको एक गाना सुनाया था, बिल्कुल सुनाया तो था। उसके जवाब में आप अगर वो मौसम के हिसाब से आए, मौसम रंगीले सुहाने मैडम नूरजहान का है, वो सुना दें, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है आपकी जो है वो रिक्वेस्ट पे जो है वो जरूर अमल किया जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कॉलिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। और क्या जो है वो अलमास जवाब आ गया हमारे पास एक और, अब सही है गलत ये तो प्रोग्राम के एंड में जो है वो रिवील होगा। अच्छा, दो जवाब अलमास आ चुके हैं हमारे पास, एक सिंधड़ी किसी ने कहा था और एक जो है वो लंगड़ा किसी ने कहा था, सो देखते हैं कि प्रोग्राम के एंड में जाके देखेंगे कि क्या है असल जवाब, और वाकई वो सही जवाब है भी या नहीं, मतलब आप लोगों ने जो जवाब दिए वो जवाब सही है नहीं। और गाने की बात चल रही थी तो गाने में अभी सुनाते हैं, अभी पहले बातचीत करेंगे, गाने मैं ज़रूर सुनाऊंगी, और इसके अलावा कोशिश करूंगी कि अगर हमारी लाइब्रेरी में ऐसा कोई गाना हो कोई मौसम के हवाले से, या जिस तरह से उन्होंने कहा अल्लन फ़कीर का कोई गाना, तो वो ज़रूर जो है वो प्ले किया जाए। और वो कहते हैं ना कि मैं बात कर रही थी बार बार, जब भी मैं मौसम को, बारिश को और आम को, मैंगो को जो है वो आपस में ज्वाइन करने लगती हूँ तो ना कोई कॉल आ जाती है, तो ये देखें फिर कॉल आ गई। चलें कोई बात नहीं, कॉलर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, सबसे पहले उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं हमारे साथ? अदाम हुसैन बात कर रहा हूँ, मीरपुर माथेलो जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाए करिए। बिल्कुल ठीक ठाक जी, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल आपसे बात करना चाहते थे, अभी बात कर रहे हैं, और क्या हाल है, खैरियत है? ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, ये जो आपका नाम हमने अभी सुना हुआ है नुदरत लिखा हुआ था, इसका मतलब क्या है? मेरे नाम का मतलब है अनोखापन, या अगर आप इंग्लिश में देखें तो सिंगुलैरिटी। अच्छा जी, ओके जी, थैंक यू बहुत सारा ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कॉलिंग। अच्छा, ये बड़े कम लोग होते हैं, बड़े कम क्या, मैं कम क्यों बोल रही हूँ, अरे ये मेरे मुंह से कैसे कम निकल गया, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, एक कॉमन नेम नहीं है, तो दैट्स वाई सब मुझसे पूछते हैं कि अच्छा आपके नाम का मतलब, जो भी मिलता है ना सबसे फर्स्ट, इनफैक्ट जो है वो हमारी बड़ी प्यारी सी हम सबकी जो है वो आपा शबीरा चन्ना जब मुझसे मिली फर्स्ट टाइम, तो उनसे मैं डिस्कशन हो रही थी, तो उन्होंने जब लास्ट में हमारी डिस्कशन खत्म हो गई, बातचीत गले मिल गए ये वो, तो उन्होंने मुझसे पूछा बेटा एक बात बताओ, मैंने कहा जी आपा पूछें, तो कहने लगे बेटा आपके नाम का मतलब क्या है, तो मैंने उनको बताया, तो मुझे कह रही है हाँ ना तो अनोखी हो ना तुम, तो मैंने कहा ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, पता नहीं मतलब, और बहुत सारे लोग भी ऐसे बोलते हैं जब मेरे नाम का मतलब सुनते हैं, तो ये जो मेरे नाम का मतलब था ये मेरे नाम का मतलब था। और इसके अलावा एक और कॉल है हमारे पास, उसे अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। प्यारी बहन, क्या हाल है, ठीक है, खैरियत है? थोड़ा सा जोर से बोलिए, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मीर मोहम्मद यासीन माला खान कालदरा से बोल रहा हूँ। प्यारे बहन, क्या हाल है, ठीक है, खैरियत है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका दुआ है, आपका प्रोग्राम बहुत खूबसूरत चल रहा है, देख रहा हूँ।
थैंक यू, थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल में आपका ये पहला प्रोग्राम है, बहुत खूबसूरत है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, प्रोग्राम तो आगे चले जाए ना तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। मैं आपके सारे टीम को स्पेशल दुआ सलाम दे रहा हूँ, प्रोड्यूसर साहब को, जीएम को, देखने वाले, सुनने वाले और प्रदेश वालों को, सारी सिंधी बहन भाइयों को मेरा तरफ से, सारे पाकिस्तान भाइयों को, आर्मी भाइयों को स्पेशल सलाम। थैंक यू सो वेरी मच। तमाम लोग आपको सुन रहे होंगे और इतनी प्यार भरी जब कॉल आती है ना, इतनी सपोर्ट भरी कॉल, तो इंसान जो है अपने आप को बड़ा कॉन्फिडेंट फील करता है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कॉलिंग, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और जो कॉलर्स कॉल कर रहे हैं उनका बहुत 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 शुक्रिया कि वो इतना ज़्यादा जो है वो पहले प्रोग्राम में जो है वो कहते हैं ना बूस्टअप जिसे करना होता है, तो वो बूस्टअप जो है वो मुझे कर रहे हैं और बड़ी खुशी हो रही है कि इतनी सारी काफ़ी सारी अप्रिसिएशन, काफ़ी सारा जो है वो बातचीत चल रही है। अभी मेरा मूड एक्चुअली मतलब मुझे आदत नहीं है बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब बनावटी बनने की, कि जैसे मैं घर में रहती हूँ जिस तरह मैं सबसे बातचीत करती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि आप तमाम लोगों से भी उसी तरह से बात करूँ, कि मैं तमाम लोगों को बिल्कुल फैमिली की तरह रखती हूँ। यही समझती हूँ कि आप तमाम लोग जो मुझे देख रहे हैं स्क्रीन पर सब मेरी फैमिली की तरह हैं, जो मतलब मेरे लिए बड़े सपोर्टिव है, जैसे मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत सपोर्टिव है, तो इस तरह से आप सब लोग भी मेरे लिए बहुत सपोर्टिव हैं। और माशाल्लाह से जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे ज़्यादा जो है वो सपोर्ट की कॉल्स आ रही हैं आप लोगों की। और मेरा ये मानना है कि तनकीद बहुत ज़रूरी है, इंसान को अपनी खामियों का ज़रूर जो है वो पता होना चाहिए, कि इवन जब मैं कोई काम करती हूँ, कोई मैं कोई लाइव परफॉर्मेंस या किसी भी फील्ड में, कोई भी फील्ड हो, तो जब मैं काम करती हूँ तो मैं उसके बाद उस पर जो है वो ज़रूर सोचती हूँ कि मैंने यहाँ पे ये काम किया था, नहीं ये गलत किया था, मुझे नेक्स्ट टाइम इसको ज़रूर जो है वो करेक्ट करना चाहिए। तो कहते हैं इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है, और वो कहते हैं ना कि अगर एक बार आप किसी चीज़ में नाकाम हो जाएँ तो कभी भी हिम्मत ना हारें, हिम्मत समझें कि लाइफ आपकी जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो गई है, ऐसा नहीं है, आप और मेहनत करें उसी चीज़ में और एक दिन लोगों को दिखा दें कि बाकी आप में वो पोटेंशियल है, आप उस चीज़ को जो है वो आसानी से बेयर कर सकते हैं। आपने एक बार की नाकामी से जो है उसको ज़िंदगी की नाकामी नहीं बनाया, आपने उसको जो है वो और जो है वो टारगेट एक तरीके से अचीव किया। और इसके साथ ही हमारे साथ एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मालसाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? राजा पीर भाई खास के लिए जी, क्या हाल है आपके? अरे ठीक, क्या हाल है आपका? प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा जवाब है। थैंक यू सो मच। हमारे दोस्त जिसमें लाल खान खास के लिए और वसीम मेहमानी, थैंक यू। अभी जो अलमास नाम है ना, आम का भी नाम है और अलमास एक फिल्म हमने देखी थी, अलमास भाई का भी नाम था। अच्छा जी जी, और अलमास किस पे भी नाम आ जाता है, कौन कौन भी रखे लेडीज नाम है। ठीक है, आपका जवाब हमने लॉक कर लिया है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कॉलिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और इसी तरह से कॉल्स करते रहें, बताते रहें, मुझे लग रहा है लोग सोचना शुरू हो गए हैं अब टॉपिक के बारे में भी, कुछ टॉपिक की तरफ भी आ रहे हैं लोग कि भाई हाँ भाई एक सवाल रखा है तो उसका जवाब देना है। तो इसी के साथ ही मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा जो है वो और आपके मूड को अच्छा किया जाए, बारिश है, अगर होपफुल मतलब ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोग के सामने इस वक्त मैंगो भी रखा हो, आप लोग बारिश भी इंजॉय करो, मैंगो भी जिन इलाकों में बारिश हो रही है वो लोग इंजॉय करो। सो बारिश इंजॉय करें, मैंगो इंजॉय करें, वीजे इंजॉय करें और वीजे में खूबसूरत सा सॉन्ग इंजॉय करें। इंजॉय द सॉन्ग। भी बारिश थींदी तोखे याद मुझी ईंदी, कीअं याद खेटारींदे बंद कमरो कर खता साह भर मुखे रोज पुकारींदे। जॾहिं बि बारिश थींदी तोखे याद मुझी ईंदी, कीअं याद खेटारींदे
बंद कमरो करे थदा साह भरे मुखे रोज पुकारींदे जदहें भी बारिश थींदी छोड़ा नहीं यो वक्त के दो बेर हम आकियां बिछोड़ा नहीं यो खूबसूरत नैन तुझा तन में गोढ़ा नहीं यो तन में गोढ़ा नहीं यो जदहें भी बारिश थींदी तोखे याद मुंहिंजी ईंदी कीअं मूंखे विसारींदे बंदि कमरो करे थदा साह भरे मूंखे रोज़ पुकारींदे जॾहिं बि बारिश थींदी मुंद में बई प्यार खां दूर आयो प्यार जी हिन मुंद में बई प्यार खां दूर आयो था मिलण चाहियो मगर कीअं त मजबूर आयो कीअं त मजबूर जॾहिं बि बारिश थींदी तोखे यादि मुंहिंजी ईंदी इहा यादि जबारींदे बंदि कमरो करे थदा साह भरे मूंखे रोज़ पुकारींदे जॾहिं बि बारिश थींदी तोखे यादि मुंहिंजी ईंदी कीअं यादि खिटारींदे बंदि कमरो करे थदा साह भरे मूंखे रोज़ पुकारींदे जॾहिं बि बारिश थींदी व्यूअर्स एक बार फिर से वीजे में आप तमाम लोगों को वेलकम करती हूँ. उम्मीद है कि जो गाना भी आप लोगों ने सुना होगा वो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा. और इसके साथ ही देखें ना इतनी सारी बातें हैं आज का टॉपिक मैंगो और बारिश और बहुत सारी बातें करते करते पता ही नहीं चला कि हम कब अपने प्रोग्राम के जो है वो वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं. और वो कहते हैं ना कि जुदाई की घड़ियाँ आ पहुँची हैं. और लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये कोई मतलब वो कहते हैं ना अल्लाह ना करे हमेशा की जुदाई नहीं है, कि हमेशा का साथ है ये, कि आपका और मेरा साथ जो है इसी तरह से जुड़ा रहेगा. इसी तरह से जो है वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह वीजे जो है वो और कामयाबियों और बुलंदियों पर जो है वो जाता रहेगा. सो बात चल रही थी, एक छोटा सा सवाल मैंने आप लोगों के लिए रखा था आज के मैंगो की वो कौन सी किस्म है, मैंगो की वो कौन सी टाइप है कि जिसमें कोई एक स्पेसिफिक नाम आता है. तो हमारे बहुत सारे जो कॉलर्स थे इतने अच्छे अच्छे इतने प्यारे प्यारे कॉलर्स, उन्होंने जवाब दिया सिंदड़ी, लंगड़ा, अलमास. तो ठीक है, अब नाउ इट्स टाइम टू रिवील. और बात यह है कि हमने जो है वो एक चीटिंग नहीं करी थी, मतलब चीटिंग की इसमें कोई बात ही नहीं, हमने दो नाम रखे थे. अलमास जिन लोगों ने दिया जवाब बिल्कुल सही जवाब है, अलमास ऑब्वियसली एक नाम है. और दूसरा जो नाम है ना
लिटरली आई स्वेयर कि जो लोग देख रहे होंगे ना, जिन्होंने जवाब दिया होगा, जैसे ही मैं वो नाम बोलूंगी ना, बोलेंगे अरे यार, दिमाग में घूम रहा था लेकिन हमारी जुबान पे नहीं आया। हाँ जी, तो वो दिल थाम के बैठिएगा, मैं आप लोगों को जवाब बताने वाली हूँ। वो नाम है अनवर एटॉल। आओ, इजी ना, देखें कितना इजी था ये। नाम आता है ना अनवर, तो ये दो नाम जो है वो हमने सोचे हुए थे। हमने कहा जिसने अलमास बोला उनका आंसर भी करेक्ट माना जाएगा, और जिन्होंने अनवर एटॉल बोला उनका आंसर भी करेक्ट माना जाएगा। बट बेचारे अनवर एटॉल को तो किसी ने पूछा ही नहीं है, वो कहीं कोने में छुप के रो रहा होगा कि मेरा तो, मुझे तो किसी ने याद ही नहीं किया। सो ऐसी बात जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा ये कि एक कॉलर थे हमारे पास, उन्होंने फरमाइश भी करी थी कि आपको गाना भी सुना दें, गाना भी ज़रूर सुनाएंगे। इसके अलावा हमारी एक बड़ी प्यारी सी जो है वो कॉलर थी, जो कि जिन्होंने कोयटा से कॉल करी थी, और उनका नाम था दुख्तर मुमताज़। और उन्होंने जो है वो बड़ी बेस्ट विशेज दी हैं मुझे, थैंक यू सो वेरी मच। एक्चुअली वो हम लोग आपको गाना सुनाने के लिए चले गए थे, तो इस वजह से वो होल्ड नहीं कर पाई, लेकिन उन्होंने जो भी बात करी, जो भी हमें बेस्ट विशेज दी हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दुख्तर। और इसके साथ ही हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हेलो, ओ माई गॉड, कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी है। सो ये तो अब खैर हम प्रोग्राम के वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं, और जो गाना मुझे याद आ रहा है छोटा सा मौसम के हवाले से सुना देती हूँ, आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। सो है मेरे यार हुस्न वाले, दिल किया मैंने तेरे हवाले, तेरी मर्जी पे अब बात ठहरी, जीने दे या तू फिर मार डाले, तेरे हाथों में अब मेरी जान है, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। थैंक यू सो वेरी मच, तालियां जरूर जरूर बजाऊंगी आप लोगों ने मुझे जो है वो, बिल्कुल इस बात की उम्मीद है कि आप लोगों ने जो है वो जरूर क्लैप करी होगी, तो क्लैप अपनी जरूर मुझे बताइएगा। आप लोग हमें फीडबैक जरूर दे सकते हैं, और वो कहते हैं ना, अगर मैं कोशिश करूं सिंधी को, कि अब मैंने आप लोगों से वादा किया है कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि वीडियो स्टार्ट होगा और नुदरत जो है वो सिंधी में इंट्रो एक्स्ट्रो और जो भी चीज़ें एनीथिंग एल्स वो सिंधी में बोल रही होगी, तो आप लोग जो है वो दिन बड़े और ज़्यादा खुश होंगे। कॉल आ गई ना, पहले कॉल से कॉलर से बात करते, फिर मैं आपको सिंधी में कुछ बोल के सुनाऊंगी। तो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से बात करें हमारे साथ? जी कैसे हैं आप? जी क्या कहना चाहेंगे? जी तो आपके प्यारे से नाम बता रहे, तो जी जी एक तो आप पहले बता दिया है आपने अनवर एटॉल, जी जी बिल्कुल, और एक नीलम, क्या कहा आपने? एक नीलम है, एक अनवर एटॉल। ठीक है, चलें कोई बात नहीं, आपने थोड़ा सा वक्त ना देर आए, दुरुस्त है, आपने थोड़ा देर से कॉल करी, लेकिन जब तक मैं जवाब बता चुकी थी, लेकिन फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का, थैंक यू सो वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और मैं कुछ कह रही थी, मेरी यादाश्त बहुत अच्छी है, आप लोग टेंशन ना लें, मैं जस्ट ऐसी एक्टिंग कर रही थी। हाँ, तो मैं सिंधी में ही कह रही थी फीडबैक के बारे में, कि तहां सभी व्यूवर्स जो फीडबैक आए, असन जलाए, वीजे जलाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट आए, समझ गए ना आप लोग मेरी बात? सही बोला ना मैंने? हाँ सही बोला वैसे मैंने। सो आप लोगों का फीडबैक हम तमाम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग की सपोर्ट, आप लोगों की एप्रिसिएशन, आप लोगों की, वो कहते हैं ना, मैंने तनकीद की बात करी थी, बीच में सॉन्ग आ गया था, आई थिंक या कॉल आ गई थी, कि तनकीद जो है वो बड़ी ज़रूरी भी होती है, लेकिन तनकीद बराए इसलाह जो होती है ना, वो बहुत ज़रूरी होती है, कि अगर आप किसी को कुछ बताने के लिए तनकीद करें, कि देखें जी, एक चीज़ होती है कि आपने स्टोन में बोला कि बेटा या बहन या जो भी आप कहना चाहें, कि ये चीज़ आपने ऐसे बोली या ये चीज़ आपने ऐसे करी, तो इसको आप नेक्स्ट टाइम से ना इस तरह करिएगा, सो इट विल लुक बेटर। लेकिन एक चीज़ होती है कि आप जो है वो एक मतलब बंदे को जो है वो डिसहार्ट कर देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि पहली बार में ही डिसहार्ट हो जाते हैं, कि नहीं जी, इन्होंने तो हमें ऐसे बोल दिया, अब जैसे सिंगर्स हैं, कोई उसने अच्छा नहीं गाया। कहते हैं ना कि किसी भी फील्ड में अगर आपको जाना है, एक्टिंग हो, होस्टिंग हो, सिंगिंग हो, इवन आप पेंटर हो, आप आर्टिस्ट हो, कुछ भी हो, आप फ़नून लतीफ़ा की आर्ट की किसी भी फील्ड से आपका ताल्लुक हो, तो जब तक आप उस फील्ड में मेहनत नहीं करेंगे ना, तो या उसके बारे में पूरी आपको नॉलेज नहीं होगी, तो तब तक आप उस फील्ड को ना अच्छी तरह से जो है ना वो उसको समझ नहीं सकते। सो तमाम चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत होती है ऑब्वियसली, और हम तमाम जो है वो अभी सीखने के ही मराहल में हैं। और इसके साथ ही खूबसूरत सी कॉल शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? दाल से बात कर रहा हूँ। जी जी बोलिए। तो आपका टॉपिक क्या था?
آپ کی آواز جو ہے بہت زیادہ ریپیٹ بھی ہو رہی تھی, بہت زیادہ ڈسٹریکشن ہو رہی تھی, تو اس وجہ سے جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے کال. کائنڈلی تمام لوگ جو ہمیں کالس کر رہے ہیں, جو آپ کالس کرتے رہیں گے ان شاء اللہ وی جے کے جو ہے وہ میرے ساتھ جو ہے وہ ریگولر کالرس بنتے رہیں گے, تو ان سے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جو میں بار بار کہتی ہوں کہ یا تو کسی ایسی جگہ پہ جا کے کال کریں جہاں سگنلس کا کوئی ایشو نہ ہو, یا پھر جو ہے آپ جب کال کریں تو اپنے ٹی وی کا والیوم جو ہے وہ اس کو کم رکھیں تاکہ جو ہے آپ کی بات ہم سے جو ہے وہ آسانی سے ہو سکے. اور اب شامل کریں گے ہم یہاں اپنے شو میں وی جے میں ہمارے وی جے کی لاسٹ کال, سو دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں اعجاز جمسر سے بات کر رہا ہوں. جی جی بولیے. کافی آپ کا پروگرام میں دیکھ رہا ہوں, کافی اچھا چل رہا ہے آپ کا پروگرام. تھینک یو سو ویری مچ. بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. تھینک یو, تھینک یو سو ویری مچ. اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں اور کچھ ایسا, اس میں ہمارا سانگ سننا تھا. جی جی بولیے. کوئی بھی ایک اچھا سا سانگ سنا دیجیے گا. چلیں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ, اور جتنے کالرز نے ہمیں اسٹارٹ سے لے کے ابھی تک جو ہے وہ کال کری ان کا بہت بہت شکریہ, کہ وہ تمام لوگ جو ہے وہ اتنا سپورٹ کرتے ہیں. میں نے جیسے پہلے بھی میں مینشن کر چکی ہوں کہ فرسٹ شو تھا میری انرجی, تو میں بوسٹ اپ, لیکن وہ جو بوسٹ اپ اصل والا بوسٹ اپ ہے نا وہ آپ لوگوں نے کیا کالز کر کر کے, اتنا سارا پیار, اتنے سارے سپورٹ دے کے, تھینک یو سو ویری مچ. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم کہیں مطلب یہ مت سمجھیے گا کہ ہم جو ہے وہ آپ سے بہت دور جا رہے ہیں, جیسے میں نے جدائی کا بولا. اللہ نہ کرے کہ ایسا کبھی ہو کہ ہم لوگ کا اور آپ کا رشتہ ٹوٹے یا کوئی جدائی بیچ میں آئے. بس آپ کو مجھ سے دوبارہ بات کرنے کے لیے جن لوگوں نے کال نہیں کری, یا جن لوگوں کی کال جو ہے وہ کنیکٹ نہیں ہو پائی, یا جن لوگوں کی بات ہم سے کمپلیٹ نہیں ہو پائی, انہیں ہم سے دوبارہ بات کرنے کے لیے جسٹ ایک دن کا ویٹ کرنا پڑے گا, جسٹ ون ڈے. کل ہم پھر آپ سے ملیں گے اسی خوبصورت سے پروگرام کے ساتھ, اسی وی جے کے سیٹ پہ. اور ایک چھوٹا سا میسج جو میں آپ لوگوں کو کنوے کرنا چاہوں گی کہ اپنے پیاروں کے ساتھ خوش رہیے, اپنے رشتوں کے ساتھ خوش رہیے, کوشش کریں خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں, اسی میں جو ہے وہ سب کی بھلائی ہے. تھینک یو سو ویری مچ ہمارا پروگرام دیکھنے کے لیے, اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیتے رہیے گا. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نصرت مغل کو دیجیے اجازت. زندگی رہی تو کل ایک خوبصورت سے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی. فی امان اللہ. مرضی مجھے دل کے توڑے یا کاوڑ میں پہجو مہڑو موڑے او سانس دنا ہے او سانس دنا ہے او سانس دنا ہے او سانس دنا ہے تجھی مرضی مجھے دل کے توڑے کاوڑ میں پہجو مہڑو موڑے تو سانس دنا ہے تو سانس دنا ہے تو سانس دنا ہے تو سانس دنا ہے سسری گری سب پم پک مری سسری گری سب پم پک مری سسری سنی پاڑی سگری سا پیار کرن لے ہر کو مانو سر جو سائن ہے جگر جو ٹکڑو جان جو مالک ہکڑو ہوں دو آہے او کرن لے ہر کو مانو سر جو سائن ہے جگر جو ٹکڑو جان جو مالک ہکڑو ہوں دو آہے تجھی مرضی مجھے دل کے توڑے یا کاوڑ میں پہجو مہڑو موڑے تو سانس دنا ہے تو سانس دنا ہے تو سانس دنا ہے تو سانس دنا ہے سسری گری سب پم پک مری سسری گری سب پم پک مری سسری سنی پانی سگری سا سسری گری سب پم پک مری سسری گری سب پم پک مری سسری سنی پانی سگری سا
ਸੁਣ ਪੜਨ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜੋ ਤਕਾਜ਼ੋ ਠੁਕਰਾਏ ਥੋ ਪਿਆਰਾ ਅਹਿੜਾ ਨ ਮਿਲਣ ਦਈ ਬੀ ਹਰ ਫਾਇਕ ਤੋਖੇ ਬਾਹ ਸਹਾਰਾ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜੋ ਤਕਾਜ਼ੋ ਠੁਕਰਾਏ ਥੋ ਪਿਆਰਾ ਅਹਿੜਾ ਨ ਮਿਲਣ ਦਈ ਬੀ ਹਰ ਫਾਇਕ ਤੋਖੇ ਬਾਹ ਸਹਾਰਾ तुझी मर्जी मुझी दिल के टोड़ी या कावड़ में पहजो मुहड़ो मोड़े तो सांसद ना है 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 ਤੋ ਸਾਜ਼ਿਦ ਨਾ ਹੈ ਤੋ ਸਾਜ਼ਿਦ ਨਾ